राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? हम जी बढ़िया है, दुआ ऊपर वाले के आप सभी का आशीर्वाद है। रात के बज गए हैं 8:40। आज अब व्लॉग शुरू किया, दिन में सोचा कि करूंगी फिर नहीं किया, और आज बनाई है एक डांस की वीडियो जो आप लोगों को देखने को मिलेगी सैटरडे को, और ये व्लॉग शायद आ जाएगा फ्राइडे को या पता नहीं सैटरडे को आएगा, और शाम को आती है डांस की वीडियो। तो ये वाली साड़ी पहनी थी, अभी बना तो लिया। सच बताऊं बड़ी मेहनत लगती है मेरे को तो डांस की वीडियो बनाने में, बहुत टाइम लग जाता है, पसीने भी आ जाते हैं, ऊपर से मैं फैन भी नहीं चला सकती, पसीने आ जाते हैं। तब आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, कईयों में डांस की वीडियो में बहुत कपड़ों में लग जाते हैं पसीने। एक तो इधर गर्मी है, तो अभी जी पहले तो खाना नहीं बनाया, देखो कितना हो गया, 8:30 हो गए। मेकअप वेकअप तो ज़्यादा नहीं करती मैं, पर वही ये थोड़ा काजल लगा दी, देखो फैल गए पसीने में, क्योंकि इतने पसीने आ जाते, फैल गए, लिपस्टिक लगाई और बस थोड़ा सा तो रहता ही है। तो इयररिंग डाल लेते, ये इयररिंग मुझे मीशो से लिए थे, ये ना सब पे मैच हो जाते हैं मेरे, थोड़े ऐसे अच्छे लगते हैं ऐसे थोड़े बड़े बड़े ना, तो इस साड़ी पे भी मैच हो गए थे, तो ये वाले डाले थे। अभी इनको निकालेंगे, इधर का ना पूरा सामान देखो बिखरा पड़े, क्योंकि जिस दिन डांस की वीडियो थी उस दिन सब निकल जाता है मेरा। और आज तो ना कराटे से आ गए हैं, आके थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, और आज ना काम कुछ नहीं हुआ, देखो कपड़े भी फोल्ड करने बाकी हैं, और ये और कपड़े निकाले थे मैंने, ठीक है, ये कुछ और साड़ियाँ निकाली थी, आगे किसी डांस की वीडियो में पहनने को मिलेंगे आप दिखेंगे मतलब। तो ऐसे ये 3-4 साड़ियाँ आज रखी थी कहीं बॉक्स में, तो वहाँ से निकाली, फिर उनमें से मैंने ये वाली पहनी है। तो अभी ये निकालेंगे सब सामान, साड़ी वाड़ी कपड़े चेंज करके सबसे पहले तो खाना बनाऊंगे, खाना तो थोड़ा हल्का ही बनाऊंगे। तो पैर को जी थोड़ा हैवी हो गया था, मिलेट था, रोटी थी, सब्जी थी, और अभी पूछती हूँ बच्चों से क्या खाओगे रे? पिज्जा जो मैंने कब बनाया था। पिज्जा बोलो, पिज्जा बेटा ऐसे झटपट से नहीं बनता, एक तो जी सब्जियाँ चाहिए थोड़ी सी, सोयाबीन वो चाहिए, कैप्सिकम शिमला मिर्च वगैरह चाहिए, क्योंकि है नहीं सब्जियाँ नहीं है जी कुछ, तो देखती हूँ कुछ और बनाऊंगी। निशु बोल रही मैगी निशु के लिए थोड़ी सी मैगी बना लूंगी, बना दो। और रोटी भी रखी है सच में, थोड़ी सी रोटी रखी है, और थोड़ा खिचड़ी दलिया या ओट्स, ओट्स खाओगे? हाँ। ओट्स भी खा लेंगे। शकरकंदी है? नहीं वो नहीं है, शकरकंदी नहीं, मेरे को बड़ा मन करता है शकरकंदी खाना, अभी गाँव में होते ना हरियाणा में, तभी ठंडी के मौसम में खूब आती है, इधर ना थोड़ा सी ठंडी नहीं है ना, वो एकदम ऐसी मतलब फ्रेश नहीं मिलती है, खाने का ना मन कर गया शकरकंदी का नाम सुन के, तो बड़ी टेस्टी लगती है मेरे को। तो अभी जी जल्दी से कपड़े चेंज करके खाना बनाते हैं, ओट्स बना देती हूँ, मैगी बना देती हूँ, कुछ रोटी रखी है, हल्का फुल्का सा ही बनाऊंगी, और दूध वगैरह ले लेंगे। 8:30 तो पहले ही हो गए, 8:40 हो गए हैं, और 5-10 मिनट लग जाएंगे फिर खाना बनाते हैं। और नहीं है जी अपने वेश में आ गए, कपड़े बदल लिए, गर्मी लग रही थी उन कपड़ों में तो ना, बड़े साड़ी वाड़ी कभी कभी पहनू ना तो गर्मी लगती है, और अभी ना काम बहुत पड़ा है। सब्जियाँ पानी में भिगो कर रख रखी हैं, ये धोकर रखनी है, बर्तन सारे दो पैर के धोए थे ये रखूंगी, और आज कुछ हरी सब्जी आई थी, ये देखो मेथी, देखो कितनी बड़ी बड़ी इधर इतनी बड़ी बड़ी, ये मेथी आई भी महंगी होगी, ये मेथी है, धनिया करी पत्ते हैं, ये कुछ ग्रीन चीजें हैं, ये धोकर रखनी है। तो सबसे पहले मैगी बनाती हूँ और ओट्स बनाती हूँ थोड़ा सा ना, आज ये रहेगा। कभी कभी देखो काम की वजह से ना थोड़ा ऐसा खाना भी बन जाता है, क्योंकि आज लेट हो रहा है पहले ही, अभी मैं और थोड़ा सा रोटी रखी है, 2-3 रोटी रखी, किसी का रोटी खाने का मन होगा ना तो रोटी खा लेंगे, दोपहर में ही तो बनी थी, और ऐसे हमको नहीं रहता है कि दोपहर में बनी थी तो अभी हम नहीं खाएंगे, ना भाई बाहर रहते हैं सब कुछ मोल खाता है, समझते हो ना, मतलब घर के गेहूँ थोड़ी है कि चलो भैंस को डाल देंगे, उसको कर देंगे, वो भी डाल देते हैं ऐसे थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं है गाय की रोटी वगैरह और ऐसे पंछियों को, लेकिन थोड़ा बहुत रहता है, तो सोचते हैं कि थोड़ा सा गर्म करके खा लेंगे, समझ गई ना, तो अभी गर्म करके खा लेंगे दोपहर की रोटी को। ये जी मैंने इसमें दूध डाल दिया है, दूध में ओट्स डाल दिया है, तो पहले थोड़ी देर ना इसको सोक कर देंगे, जिससे ना ये बहुत जल्दी बन जाता है, नहीं तो अभी अगर मैं गैस पर रख दूंगी ना तो नीचे का सारा ना जल जाएगा, तो इसलिए ना थोड़ी देर, तो इसलिए ना थोड़ी सी देर इसको इस तरह से भिगो कर रख दूंगी, ताकि ये थोड़ा सा ऐसे ही गल जाए, फिर थोड़ी देर गैस पे चलाना पड़ेगा। दूध दिन का गर्म किया हुआ, अभी तो पूरी तरह से ठंडा है, और पानी का यूज नहीं किया मैंने, तो दूध में ही बना रही हूँ। अगर आपके बच्चे पसंद करते हो ना तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी काट सकते हो, तो निशु थोड़े नखरे करते हैं, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ इसी तरह से दूध और ये ओट्स को बना लूंगी, और मीठे के लिए इसमें शहद डालूंगी, चीनी की मैगी तो मैंने रख दी, नॉर्मली मैगी बन रही है, तो मैगी रख दिया और ओट्स इसमें भिगो रखा, अभी नहीं रखा, थोड़ी देर और भिगो के रखूंगी, 5-10 मिनट, लगभग 5-7 मिनट रखूंगी, और उसके बाद इसको गैस पे रखूंगी, तो 1-2 मिनट और रखूंगी, कुछ टाइम तो हो गया। और देखो दो पैर की सब्जी रखी, इसलिए नहीं बना रही, क्योंकि सब्जी रोटी रखी है तो कोई ये खा लेगा, और अभी बर्तन तो रख दिए, सब्जियां धोते हैं, सब्जियां लाने का जितना काम है ना, छाट छाट के ढूंढ के लाओ, और महंगी तो आती है, इनको धो के रखने का भी उतना ही काम पड़ता है, तो काम तो करना ही पड़ता है, तभी इनको धोना है जी, इनको धो के रखती हूँ, तब तक इधर मेरी मैगी बन जाएगी, अरे ओट्स भी हो रहा है, तो ये हो जाता है जी, बन गया है ओट्स, बच्चों को पहले मैगी दे दी, मैगी बन गई है, और ओट्स भी देखो बन गया, तो जी ये भी बन चुका है, वो मैगी खाएंगे फिर ये खा लेंगे, गैस बंद कर दिया मैंने, शहद डालूंगी बाद में, बहुत ज्यादा गर्म चीज में शहद मत डाला करो, चाहे पानी ले रहे हो चाहे कुछ भी खाने चीज़ हो, बहुत ज्यादा मैं गर्म में शहद नहीं डालना है, हल्का गर्म हो तभी, जैसे खाने जैसे होगा तो मैं इसमें शहद डाल दूंगी। और इधर जी ये जो दिन की रोटी है ना दोपहर की, उन पर इस तरह से घी लगा के क्रिस्पी कर लेते हो, तो इस तरह की बनी हुई ये रोटी ना बहुत टेस्टी लगती है, इस पर तो हमारा ना बच्चों का हम सबका झगड़ा हो जाता है, वो कहेगा मैं लूंगा, वो कहेगा मैं लूंगा, ये वाली ऐसी टेस्टी लगती है हमको, तो
तो भाई बन गई ना, अभी इस तरह से बना लूंगी मैं जो भी दिन की रोटी है ना उनको। तो जी करते हैं डिनर, लेट हो गया है। तो अब जी जो लिपस्टिक लगा रखी है इसको कैसे उतारूंगी, या तो आप तेल ले सकते हैं, मैं लगाती हूँ मलाई लगाई और इसको थोड़ा सर्व कर लूँगी, एक्स्ट्रा हो गई तो इसको मुंह पे लगा लेती हूँ। रात को सोने से पहले ना इस तरह से मलाई लगाया करो, दो मिनट मसाज कर लिया करो, ज़्यादा देर नहीं तो, और फिर एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर से पूछ के फिर अपना फेस वॉश जो भी आप करते हो, मैं तो जैसे पाउडर वाला यूज़ करती हूँ तो उसको यूज़ करूँगी फिर। तो ये एक्स्ट्रा मैंने लगा ली और ये लिपस्टिक देखो इसकी जगह तेल भी ले सकते हो। निकल गई ना, अब एक टिश्यू पेपर लेना है इस तरह से, सारी आ गई। और लिपस्टिक को जरूर उतार के सोया होगा तो ब्लैक हो जाएंगे लिप्स, नहीं उतारोगे तो। उतर गई सारी, उतर गई पूरे लिपस्टिक तो उतर गई, टिश्यू पेपर हो गया पूरा खराब। इसी तरह से मैं मलाई पूरे फेस पर लगाऊंगी, हल्के हाथों से मसाज करूंगी दो मिनट, उसके बाद टिश्यू पेपर से पूछ लूंगी फिर फेस वॉश करूंगी। तो इस तरह से मैं अपना शाम का जो मेकअप वेकअप कुछ है, कुछ सनस्क्रीन रहती है, मतलब कुछ भी रहता है उसको इस तरह से हटा देती हूँ। पर अभी मैं कुछ दिन से कुछ भी नहीं लगा रही, सनस्क्रीन भी मैंने छोड़ रखी। मैं देख रही हूँ कि सनस्क्रीन नहीं लगाती तो क्या होता है, तो कुछ दिन से मैं कोई भी केमिकल वाला प्रोडक्ट नहीं लगा रही हूँ। तो अभी मलाई से फेस को क्लीन करूंगी और फिर वैसे फेस वॉश से दूंगी, उसके बाद ऑयल वगैरह अप्लाई करके फिर सो जाऊंगी। तो मलाई लेके इसको मैं मसाज करके फेस वॉश कर लूंगी, आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं क्योंकि रात के बज चुके हैं 10। और जी मुंह धो के फिर सोती हूँ, नींद आ रही है, थक गई हूँ आज तो मैं बड़ी जोर से, बहुत थक चुकी हूँ। तो बस सोते हैं, इतने थक चुके हैं ना कि नींद भी ज़बरदस्त आएगी। आज के व्लॉग को ख़त्म करेंगे, आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना, अपना प्यार आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखना। कल फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, आप सभी को शुभ रात्रि, राम राम जी।